उन्हीं के घर पे नहीं है, उनको खाने के नहीं है, हमें कहाँ से खिलाएंगे, आपको कहाँ से खिलाएंगे वो। इसलिए अब करना क्या है कि आप लोगों को अपना ताकत आजमाना है और आपको अपना इसलिए कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर कोई बीजेपी आया, कोई कांग्रेस आया, कोई फलाना कोई धमाका आया, आज तक कोई नहीं आया जो गरीब और मजदूर के घर की आया ऐसा है कोई नहीं। तो करेगा कौन? हम लोग ही तो बनाएंगे अपने बजुर्ग के साथ अपने बीच, और इसी बीच से वो नेता निकालना है जो आपकी दुखों को समझेगा, आपके दुखों को समझेगा और कहेगा कि मैं जानता हूँ फलाने को क्या तकलीफ है, मैं जानता हूँ फलाने को क्या तकलीफ है। हर विधानसभा से चुने जाने वाले सभी किसान भाइयों बहनों से जानते हैं, भाइयों और बहनों अभी से यहाँ से जाने के बाद हर जगह नजर दौड़ाओ, परखो कौन है ईमानदार जिसे हम अपनी जिम्मेदारी दें। ऐसे ईमानदार कोई हो जो आपके लिए लड़ता हो, मरता हो, आपके लिए जीता हो। ये जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ये क्यों पहुँचे हैं, ये आखिरी डिसीजन है। क्यों? ये अब सरकार कह रही है कि जो करना हो वो कर लो, देखते हैं कि किराएदारों में कितना दम है। क्या हम लोग अपना ताकत दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? जल्दी बताइए, दिखा सकते हैं ना? बस यहां से जाते समय कसम खा के जाइए कि मैं वोट अपने सिर्फ गरीब मजदूर किराएदार भाई को दूंगा और किसी को नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों नहीं आता। भाइयों और बहनों, हम लोगों ने बड़े बड़े नेताओं को देखिए, समस्या कहाँ से शुरू होता है। एक निगम पार्षद 1 करोड़ रुपया खर्चा करके इलेक्शन लड़ता है, वो 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करने पे जुटता है, कोई विकास नहीं करता। अगर करता है कोई निगम पार्षद तो बता दीजिए। अगर 100 करोड़ रुपया लगानी करके कोई विधायक इलेक्शन लड़ता है तो वो 1000 करोड़ रुपया इकट्ठा करने में लग जाता है, विकास का काम कोई नहीं करता। इसी तरीके से हमारे सांसद हैं, तो हम लोग ना तो अब किरा ना तो पैसा देंगे और ना पैसे वाले को वोट देंगे। अगर हम वोट देंगे तो किसी गरीब को देंगे, किसी ईमानदार को देंगे? बोलिए, ये बात सही है कि गलत है? हमें पैसे वाला नेता नहीं चाहिए, हमें एक ईमानदार नेता चाहिए। क्या हम एक ईमानदार नेता अपने बीच से नहीं निकाल सकते हैं, अपने वार्ड से, अपने विधानसभा क्षेत्र से? बहुत हो गया। दुख की बात तो यह है कि जब ये लोग अपने देश के धरोहर को नहीं बचा सकते हैं, क्या पता आप लोगों को पता है कि नहीं है, लाल किला किसी को गोद दे दिया गया, ये जानते हैं आप लोग? कितने आदमी जानते हैं? नहीं। अरे एक दिन हिंदुस्तान को गोद में लेने वाला है कोई विदेशी आके, अगर हम लोग नहीं बचाएंगे तो बचाना आप लोगों के हाथ में, और जल्द से जल्द बचाइए, समझे? बजाय मेहरबानी भाषण से कुछ नहीं होगा, सोच समझना बहुत जरूरी है। पीछे बहुत आदमी है, हर आदमी अपने दिलों में एक छोला लेके बैठा हुआ है।